नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। सोमवार को प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रामनगर के पिरुमादारा पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने इस क्षेत्र में जलभराव की स्थिति से प्रभावित हुए कई क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आपदा को लेकर सरकार द्वारा धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपदा मद में की गई धनराशि का 100% सदुपयोग करते हुए प्रभावित लोगों को ये वितरित की जाए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर कार्य भी कराए जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, 2 दिन बाद इसको लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारी उनकी टेबल पर समस्याओं का समाधान रखेंगे। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन पूर्व काशीपुर क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में घायल लोगों का काशीपुर के अस्पताल में जाकर हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि जिस बस में ये श्रमिक जा रहे थे वो स्कूल बस थी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। जनपद नैनीताल में अब तक मैं आपदा से उसका स्थलीय निरीक्षण करने यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, और उस स्थलीय निरीक्षण के यहाँ पिरुमादारा क्षेत्र में भी आने का मौका मिला है, और यहाँ पर जिस प्रकार से जलभराव का जिन कारणों से हुआ उसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी, चाहे वो NH के हों अथवा आपदा प्रबंधन अधिकारी हों, उनको निर्देश दे दिए हैं कि परसों जब हम समीक्षा बैठक करेंगे तब इसका समाधान मेरे टेबल पर होना चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से आपदा का जो फंड है उसमें कोई कमी नहीं रखी गई है। 2024 में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, अव्यवस्थित चीज़ों के कारण जो है पानी भराव न हो, उसको हण के विरुद्ध सरकार जो निर्णय ले चुकी है, लगातार जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है, हाईकोर्ट के डायरेक्शन में भी उस पर कार्रवाई कर रहा है। मुझे लगता है कि अतिक्रम चाहे आपके द्वारा हो, चाहे मेरे द्वारा हो, अथवा किसी के द्वारा हो, वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मैडम, गोकर में ये नहीं था कि स्कूल की बस में जो है वो कार्मिक ढोए जा रहे हैं या उनसे उनका सफ़रनामा तय हो रहा है। मैं तो ये देख के थोड़ा सा हतप्रभ थी कि वहाँ पर सारी महिलाएँ, वहाँ पर जो है महिला कार्मिक थी, वो किसी न किसी रूप से इंजर्ड हुई, लेकिन उनको देखते हुए मुझे ये जो डॉक्टर से बात हुई वो जल्द से जल्द रिकवर करेंगी, और बहुत जल्द जो है मुझे लगता है 1 महीने के अंतर्गत वो रिकवर होकर आ जाएंगी। उनके जो उससे संदर्भित जो खर्चे हैं वह भी संबंधित कंपनी उसको वहन कर रही है, तो आज उनकी परिस्थिति में काफ़ी सुधार जो है आज देखने को मिला है। और रही बात कि स्कूल के बस में उनकी यात्रा हो रही थी, तो वो निश्चित रूप से परीक्षण कराया जाएगा और उस पर जांच कराई जाएगी। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को रामनगर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आपदा के दौरान जो भी क्षति हुई है उनका उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, और उन्होंने बताया कि इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद नैनीताल में इसको लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिस पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आपदा में जो नुकसान हुआ है इसके समाधान के जो कारण है या जो उसका समाधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा वो 2 दिन बाद उस बैठक में रखेंगे। और उन्होंने जहाँ तक अतिक्रमण की बात कही है, सरकारी नालों पर अतिक्रमण हो या सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो, उस पर रेखा आर्या ने कहा कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं 2 दिन पूर्व काशीपुर रोड पर सड़क दुर्घटना में घायल हुए जो एक कारखाने के श्रमिक थे उनका हालचाल भी उन्होंने काशीपुर को एक निजी अस्पताल में जाना। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें जो कंपनी थी उसके द्वारा इन घायलों का इलाज कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि यह बस में जो स्कूल का नाम लिखा था और कम सीटों की बस थी, ज़्यादा यात्री थे, इसकी जाँच कराई जाएगी। निश्चित तौर पर यदि यह सही पाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को आपदा को लेकर स्पष्ट निर्देश भी दिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।